आज हम चर्चा करने वाले हैं एलियंस घड़ी की आवाजें आ रही है, घड़ी की आवाजें आ रही है मुझे। क्या एलियंस है? सच में अवेलेबल है या नहीं? हेलो गाइस, सो मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, ठीक है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग एलियंस के बारे में। क्या सच में 2022 के अंदर एलियंस आ रहे हैं? आपने सुना होगा बहुत सारी जगह कि 2022 के अंदर एलियंस आ रहे हैं। एक्चुअल में एलियंस 2012 के अंदर आने वाले थे हमें लेने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जितने भी इंडिया के जो भी राजाएं वगैरह थे वो एटलीस्ट इतने साल चलते हुए हो गए अर्थ को। वो जो है कोई एक साल को 365 दिन का मानता है, कोई सिर्फ 360 दिन का ही मानता है। तो क्या सच में इस बार एलियंस आ रहे हैं? और ये एलियंस क्या होते हैं? क्या हमें इनसे कोई खतरा है या फिर हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा एलियंस के आने से? क्या वो हमारा खाना भी खाएंगे या फिर सिर्फ धूप खाएंगे? जो कि आपको एक वो कोई मूवी बनाई गई थी, शायद मैंने देखी नहीं है लेकिन शायद बनाई गई थी। मैंने सुना है कि एलियंस खाते हैं, हम तो खाना भी खाते हैं धूप भी खाते हैं, ठीक है। तो क्या है ये सारा सीन? क्या सच में एलियंस आ रहे हैं और क्या आपको इनसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? आज अपन इसके बारे में कंप्लीट में चर्चा करेंगे। और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद कोई अगर एलियंस अगर आ जाता है तो शायद ये अपलोड नहीं हो पाता। और अगर मैं किसी एलियन की चपेट में नहीं आता हूँ तो ये मैं अपलोड कर दूंगा और दिखा देना इसको पूरे अर्थ को कि एलियन का क्या सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार एलियंस वैसे कोई स्पेशल पावर नहीं है एलियंस के पास, जिस प्रकार से अर्थ के ऊपर लोग रह रहे हैं, हम ले रहे हैं, ठीक है। आई एम फ्रॉम प्रेजेंट टाइम, अभी मैं अर्थ पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जो भी हमारे जैसे या फिर अदर हमारी और टाइप के लोग हो, जिनके कान यहाँ हो, आंखें और कहीं हो, आंखें हो ही ना, ह्यूमन सेंसिंग से चल रहे हो, अदर सिस्टम से चल रहे हो, ठीक है, उनको हम एक्चुअल में एलियंस कहते हैं, ठीक है। और क्या यह सच में है? मतलब आउट ऑफ अर्थ, अर्थ पे जैसे हम रह रहे हैं, क्या वैसे लोग जो भी अदर जो है जुपिटर वगैरह, क्या उन पे रह रहे हैं लोग? तो जी हाँ बिल्कुल, वहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। मतलब वो हमारे जैसे नहीं है, ठीक है, वो जस्ट लाइक अदर टाइप हो सकते हैं या फिर इंसानों के जैसे ही हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई। लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास अभी कोई पावर नहीं है, कोई स्पेशल फोर्सेस नहीं है, यानी कि वो इंसानों से भी कम पावर है उनके पास, ठीक है। ये मैं किस प्रकार से कह रहा हूँ, आई एम एज एरोस्पेस इंजीनियर, ठीक है। वैसे उतना ज्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, चाहे वो IIT के प्रोफेसर हो, IISc हो, चाहे नासा हो, इसरो हो, या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेस हो जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज करवा रही है इंडिया के अंदर, इसके अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स, एलियन, अदर अदर प्लैनेट्स। सो इसके रिगार्डिंग ही मैंने एरोस्पेस को ज्वाइन किया था। तो चलिए आज का वीडियो के बारे में, जो आपने एक सुना होगा Area 51 अमेरिका के अंदर, तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे क्या वहां पे एलियंस है या फिर अमेरिका वालों ने एलियंस से कांटेक्ट कर लिया। एक दो तीन बंदे तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे कहा था कि भैया जो इलोन मस्क है ना, इसका एलियन के साथ टाइप हो गया, इसको तो स्पेशल फोर्सेस दे रहे हैं, इसी कारण ये इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का जेंटलमैन बन गया, इसको सबसे क्रांतिकारी आदमी कहा जाता है। और जो भी गवर्नमेंट होती है इंडिया अमेरिका की, वो सोचती है कि एटलीस्ट इस बार मैं पर्दा पास कर दूंगा जो भी Area 51 है, फिर उसको भी जिसके बारे में पता चलता है तो वो मुंह अपना बंद कर लेता है। क्या ऐसा सच में है? क्या सच में इंडिया के अंदर अभी भी एलियन रह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 1700 साल, सॉरी 1000 साल पहले, ठीक है, अभी मैं 1700 साल का हो चुका हूँ। आज से 1000 साल पहले जब वे अपने दोस्तों के साथ ही कुछ मार्स से अदर प्लेनेट पर जा रहे थे, बर्थडे पार्टी के अंदर स्पेसशिप क्रेश हो गया और लैंडिंग हो गई राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान में।
तो फिर नासा को बोला गया कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, तो नासा वालों को समझने में बहुत दिन लगे। फिर उन्होंने, इलोन मस्क ने कहा ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है, स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं और चलेंगे प्लेनेट पे वापस। तो चलते हैं अपने फिर से अपने टॉपिक के ऊपर। सो यार, एलियंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसको बस ये बड़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है कि यार एलियंस होंगे, मिलेंगे, कैसे होंगे, दोस्ती होगी, बातें करेंगे, ठीक है, एलियंस से हम, तो फिर क्या सीन है। तो यार ये उतना आसान काम भी नहीं है, एलियंस के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, ठीक है। हम जो इंसान लोग, सॉरी इंसान नहीं हम, ठीक है, हम जो लोग रह रहे हैं, मैं जो अर्थ पे जो रह रहा हूँ, ठीक है, हम मतलब एप्लीकेबल है, भी ट्राई कर रहे हैं एलियन से कांटेक्ट करने का, ठीक है। एलियंस, आप एलियंस के बारे में बहुत चीजें आप छोड़ दो कि एलियन के पास स्पेशल पावर होती है। एक्चुअली में जो ये जो मूवी आई थी ना, वो क्या कोई मिल गया, राइट, कोई मिल गया के अंदर वो स्पेशल फोर्सेस वाला गलत दिखाया गया है, ठीक है। इसके कारण जो है, जो भी अर्थ के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा है, साइड इफेक्ट पड़ा है, कि बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव करना स्टार्ट कर दिया, भाई एलियंस के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, वो इसे करा देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं यार, एलियंस के पास अगर पावर होती तो क्या वो हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करता? जिस प्रकार से हम जस्ट लाइक बाहर जा रहे हैं, बार बार फोटोज सेंड कर रहे हैं, तो फिर वो मतलब अगर उनके पास पावर होती तो वो हमारे पास अटैक करते ना, मैसेज सेंड करते ना। अगर उन लोगों ने अगर हमारे पास मैसेज सेंड कर दिया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट हमसे छुपा रही हो, लेकिन ये कंफर्म है कि एलियन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि क्या 2022 में एलियन आ रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने, ठीक है। एलियंस के पास हमारे जितनी भी पावर्स नहीं है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं है। अगर होती तो आज तक क्या वो ऐसे बेले बैठे रहते, हमारे ऊपर अटैक नहीं करते वो लोग, राइट, करते ना, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, नहीं किया ना। तो इस प्रकार से उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, हम लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर है जो अर्थ पे रह रहे हैं। अगर हम एलियन से एक्चुअल में अगर मिल भी जाते हैं ना, तो एटलीस्ट हमें 200 साल या 100 साल तो मिनिमम मान सकते हो बातचीत करने के लिए, या फिर उनकी लैंग्वेज समझने के काम, मतलब इतना समय तो हमें लग जाएगा, मिनिमम 100 साल तो मान के चलो कि हमें उनसे लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे मुझे पंजाबी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती, ठीक है, और पंजाब के जो लोग हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो पंजाबी में नोटिस सेंड करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आउट ऑफ जो अर्थ के जो है लोग हैं, वो अगर हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हमसे दोस्ती करते हैं, अर्थ पे अगर हम उन्हें बुलाते हैं, या फिर उनके अगर हम प्लेनेट पे जाते हैं, तो हमें कम से कम अगर मान के चलो तो 100 साल लगेंगे, ठीक है, उनसे कनेक्ट होने में। अब नासा का एक बहुत बड़ा बोला जा रहा है, आपने देखा होगा, एक उन्होंने छोटा पहले सेटेलाइट लॉन्च किया था, अभी जो है एक वो बड़ा लॉन्च होने वाला था 31 को, लेकिन हुआ नहीं। उसके अंदर क्या होने वाला था, अब ये बोल रहे हैं कि तो छोटा सेटेलाइट लॉन्च किया गया था ना, उसके अंदर नासा को एलियंस दिख गए, तो उन्होंने जो है जो प्रीस वगैरह पंडित वगैरह होते हैं, उन्होंने 40-50 पंडितों को इकट्ठा किया, पंडित बेचारे डर गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नासा दिस इज नॉट बिलीव ऑन पंडित वगैरह, हम भी पंडित पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। हाँ, भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन पंडित वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे, और जो मैं बोल रहा हूँ ये फेक नहीं है बिल्कुल भी, आप न्यूज उठा के चेक कर लो ना, एलियंस आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं भाई, ठीक है। और अगर मेरा भी एक एलियन से कॉन्टेक्ट हो चुका है, एलियंस ने कहा है कि जो भी लोग तुम्हारा वीडियो अगर देखते हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन्हें तो मैं देख लूंगा, ठीक है, ये मेरा दोस्त ने कहा है, एलियन ने। ओके, तो फिर समझ लो, सोच लो तुम लोग क्या होने वाला तुम्हारे साथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक वो कौन सी पंडित थी, व्यंग्या ऐसे कुछ बोलते हैं, कि उसने जितने भी भविष्यवाणी की है 40-50, वो सच में सब कुछ सही हुई है। तो क्या सच है ये, क्या एलियंस आने वाले हैं, आएंगे? तो इसके बारे में एटलीस्ट कहा जाता है, एक वो कौन सा न्यूज़पेपर भी था, एटलीस्ट वो जो 2012 में होने वाला था, उसको तो माना जा सकता है कि हम 10 साल आगे पीछे हैं, ठीक है। और यार ये हमेशा ऐसे उड़ाया जाता है कि 2022 में एलियंस आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, एलियंस के पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं है, हम इंडियंस ही हैं या फिर अमेरिका वगैरह है, और एटलीस्ट जब भी अगर हमारे ऊपर कोई अटैक वगैरह होता है या फिर हमें अगर जाना होता है, तो पूरा अर्थ इकट्ठा होगा, पूरा अर्थ, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, अमेरिका, जापान, ठीक है, सब इकट्ठा होके एक साथ चलेंगे एलियन से मिलने के लिए। और अगर
अगर आपका इंटरेस्ट है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं dislikefutureofindiaeducation@gmail.com, जिसका ईमेल आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, और आप एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो भी इसरो के स्टार लिंक प्रोवाइडेड स्पेसशिप्स कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं, और आप इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, और यार मतलब एटलीस्ट इसके रिगार्डिंग बहुत ही कम नॉलेज है, और इसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू कैन चूज नाउ एरोस्पेस फील्ड भी आप चूज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत मज़ा आने वाला है यार, एलियन से मिलेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे, उनसे एनर्जी लेंगे, उनकी पावर भी लेंगे, तो क्या एलियंस आ रहे हैं 2022 के अंदर? ये तो अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है इसके रिगार्डिंग, और भी अगर क्वेश्चन अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे भी मैं डालता रहता हूँ ऐसे क्वेश्चन वगैरह आईआईटी के प्रोफेसर के लिए, तो क्या एलियन सच में आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग जो भी है यार, बहुत सारी रिसर्च वगैरह होती रहती है, तो फॉलो कर लो, ठीक है, सच में ऐसा है, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार, ठीक है, और एलियन सच में होते हैं, ठीक है, आई बिलीव इट, और मुझे पता है मैं मिला हूँ एलियन से, ठीक है, और हो सकता है मैं खुद ही एक एलियन हूँ, ठीक है, कैसा लग रहा हूँ मैं, थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए हो सकता है मैं आपको एलियन से भी बातचीत करा दूँ, ठीक है, और एलियंस का नाम आपको मैं बता दूँ बीटा, और यार मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वारी जा रही थी एलियंस के रिगार्डिंग, एक मेरे पास जो मेरा जो है पी एन यू वगैरह उसके अंदर एक वो भी आया था एक दिन नोटिस, वो कुछ बोल रहे थे कोड कि अगर ये कोड किसी से अगर मैच होता हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोड का नाम है Q1Q12Gamma13, ये आप कोड किसी से भी अगर आपको कोई अजीब लगे तो उसको आप ये कोड बताएं Q1Q1 जो भी 13 में जो बताएं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर उसको ये कोड बताते ही उसके अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो आप उसको मुझसे कॉन्टेक्ट करा सकते हैं, तो उसका डायरेक्टली हम एलियन से कॉन्टेक्ट करा देंगे ताकि उसको जो है अपने प्लेनेट पे जाने में आसानी हो सके, और ऑलमोस्ट जो भी 1000 साल पहले हमारे अर्थ पे जो लोग आए थे आउटो प्लेनेट से तो वो एटलीस्ट अभी यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो यहाँ की वगैरह सब कुछ समझने लगे हैं जैसे मैं समझता हूँ आपकी लैंग्वेज, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और बिल्कुल शांति से रहिए, एलियंस आपको कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकती, एलियंस इज लाइक नॉर्मल, और आप मतलब सब समान है यार, ठीक है, मैं भी तो आप ही की तरह रहता हूँ, ठीक है, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज क्रिएट करता हूँ, मुझे कितनी नॉलेज हो गई है IITs, NIT, IISc, IISCR, ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU इंजीनियरिंग वाला यूट्यूब चैनल, CUCT यूट्यूब चैनल, फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स है यार, कितनी ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग सर्विसेज दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एलियंस आ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ओके, थैंक यू सो मच।